तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जियो फोन नेक्स्ट है और ये फ़ोन मेरा है और यहाँ पे ये जो लॉक लगा हुआ है तो बच्चा जो है वो लॉक बदल दिया है जो कि उसे याद नहीं है। तो 15 साल का लड़का है तो पैटर्न चेंज कर रहा था और क्या चेंज किया क्या लगाया तो वो उसे भी याद नहीं है। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से लगाया था लेकिन यहाँ पर अभी नहीं खुल रहा है। तो कैसे इस लॉक को हटाएँगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इस फ़ोन को जो मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ तो पावर बटन दबा के रखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे 4 ऑप्शन जिसमें कि आपको दबाना है पावर बटन को। तो इस प्रकार से दबाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मैं दबा देता हूँ नीचे में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस फ़ोन का लाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि अच्छी तरह से आप लोग को दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं इस फ़ोन को पावर ऑफ कर देता हूँ, जैसे ये फ़ोन पावर ऑफ हो चुका है तो इस प्रकार से पावर ऑफ हो जाएंगे। तो वीडियो पे बने रहें, मैं आप लोग को A to Z जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से इस फ़ोन का लॉक हटा सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच ऑफ होने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, पावर बटन और वॉल्यूम जो ऑफ बटन है तो उसको दोनों को एक साथ ही दबाना है, तो ये बटन और ये बटन। तो चलिए देख सकते हैं मैं किस प्रकार से फिंगर को हल्का सा सटा के रखे हैं और इस प्रकार से दोनों को एक साथ दबा के रखना है। दबाने के बाद यहाँ पे जियो का लोगो आएंगे तो पावर बटन को छोड़ देना है। पावर बटन छोड़ने के बाद वॉल्यूम प्लस बटन को दबा के रखना है जब तक ये लाइट ऑफ ना हो जाए। जैसे लाइट ऑफ होएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट का लोगो दिखाई देंगे यानी कि एंड्रॉयड का लोगो। तो यहाँ पे एक बार पावर बटन और वॉल्यूम प्लस बटन को दबाना है आगे पीछे करके, पहले पावर बटन उसके बाद वॉल्यूम प्लस बटन। जैसे कि देख सकते हैं मैं इस प्रकार से दबाया हूँ यानी कि 1 सेकेंड का डिफरेंट रखना है दबाने के साथ में। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, वॉल्यूम माइनस के सहारा से आपको आ जाना है नीचे वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पे और एक बार पावर बटन को दबा देना है। तो जैसे पावर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे फिर से आपको आना है नीचे, वॉल्यूम माइनस बटन के सहारा से नीचे आना है। आने के बाद एक बार पावर बटन को दबा देना है। तो जैसे कि ट्रेन आ रही है दोस्तों, मेरा घर ट्रेन पानी पटरी का बगल में है जो कि ट्रेन आते जाते रहता है तो आप लोग को कुछ थोड़ा सा सुनाई देता होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कम्प्लीट हो चुका है, तो पूरा यहाँ पर इसका लॉक पासवर्ड है वो बिल्कुल हट चुका है और जो भी आपके फ़ोन में डाटा था वो बिल्कुल सारा हट चुका है। तो यहाँ पे रिबूट करने के बाद एक बार पावर बटन दबाइएगा तो फ़ोन अपने आप ऑफ हो जाएंगे और ऑफ़ होने के बाद फिर से अपने आप ये फ़ोन चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए, जितना भी समय लगता है थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए इस वीडियो को। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इस प्रकार से आके रुक जाएंगे आपका फ़ोन। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप चाहे हिंदी भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इंग्लिश कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से इस प्रकार से प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे मैं सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहे इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा के इसका नेट कनेक्शन दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। चाहे आप वाईफाई से इस फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, तो फ़िलहाल मैं देखता हूँ नेक्स्ट करके यहाँ पर। तो नेक्स्ट करने के बाद स्क्रॉल थोड़ा ऊपर कीजिए, उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट पे दबा दीजिए। एक्सेप्ट पे दबाने के बाद यहाँ पर तो काम नहीं किया, मैं फिर से दबा दिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं नया पैटर्न पिन डालने के लिए बोल रहा है, सेट ए पिन। तो यहाँ पे मैं स्किप भी कर सकता हूँ या तो नया पासवर्ड मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4। तो चलिए मैं नहीं बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे नया पासवर्ड आप रख सकते हैं या नहीं भी। तो यहाँ पे स्किप एनीवाई पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं प्रोसेसिंग घूम रहा है। और थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर कीजिएगा और यहाँ पर नीचे पर दबा देना है। तो यहाँ पे दबाने के बाद यहाँ पे फिर से ऊपर स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, ऑन करके नेक्स्ट कर दीजिए या तो ऑफ करके नेक्स्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे
देख सकते हैं इस फ़ोन का लॉक बिल्कुल हट चुका है, जो भी इसमें पासवर्ड पैटर्न पिन था वो सारा बिल्कुल हट चुका है, और इस फ़ोन का जितनी भी सारा डाटा है वो बिल्कुल सब हट चुका है। तो इस प्रकार से जियो फोन नेक्स्ट का लॉक हटा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।